नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर या फिर हिमाचल प्रदेश की धार्मिक मान्यताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें हिमाचल प्रदेश HPGK जो है वो अक्सर पूछा जाता है, और उसी में जो है हर क्षेत्र की धार्मिक मान्यताओं से संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड जो है हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बासुकी नाग की पूजा प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो है वो बासुकी नाग की पूजा जो है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर ज़िले के लोग बैसाखी के दिन किस धार्मिक स्थल पर डुबकी लगाते हैं? तो बिलासपुर ज़िले के लोग जो हैं वो मारकंडा धार्मिक स्थान है, यह ये मारकंडा में जहां पर लोग बैसाखी के दिन जो है वो डुबकी लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मारकंडा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मारिश देवता की पूजा की जाती है? तो हिमाचल प्रदेश के कुमारसेन कोटगढ़ में जो है वो मारिश देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कुमारसेन कोटगढ़। अगला प्रश्न है, बौद्ध संत अवलोकितेश्वर का संबंध किस स्थान से है? तो बौद्ध संत अवलोकितेश्वर का संबंध है त्रिलोकपुर कांगड़ा से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, त्रिलोकपुर कांगड़ा। अगला प्रश्न है, तिब्बती धर्मगुरु रिनी चौन सोंगपो कितने वर्षों तक लाहौल स्पीति और किन्नौर में ठहरे थे? तो तिब्बती धर्मगुरु हैं रिनी चौन सोंगपो, जो 17 वर्ष तक लाहौल स्पीति और किन्नौर में ठहरे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परशुराम की पूजा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में कहाँ से शुरू होती है? तो परशुराम की पूजा जो है वो ममेल मंडी निरमंड कुल्लू नीरथ शिमला इन सभी स्थलों पे की जाती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लाहौल क्षेत्र के निवासी किस धर्म में विश्वास करते हैं? तो लाहौल क्षेत्र के निवासी जो है वो कुत्सित बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुमासेन का मुख्य देवता किसे माना जाता है? तो कुमासेन का मुख्य देवता माना जाता है कुक्सवार महादेव को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल में इष्ट देवता डैश का देवता होता है? तो हिमाचल में इष्ट देवता जो है वो व्यक्ति का देवता होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किस देवी को लाटांवाली कहा जाता है? तो लाटांवाली जो है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी के मणिकर्ण को किस देवता से जोड़ा जाता है? तो मणिकर्ण को जो है वो शिव जी से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिरगुल देवता की पूजा किस क्षेत्र में की जाती है? तो शिरगुल देवता की पूजा जो है वो सिरमौर शिमला में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मल्लाणा गांव के जामलू देवता को अर्पण किया जाता है? तो मल्लाणा गांव के जामलू देवता को जो है चांदी से बनी घोड़े की मूर्ति अर्पण की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल में भक्ति पंथ को आगे बढ़ाने का अग्रदूत कौन रहा है? तो हिमाचल में भक्ति पंथ को आगे बढ़ाने का अग्रदूत है राजा साहिल वर्मन को जाता है इसका श्रेय। तो अगला ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, राजा साहिल वर्मन। अगला प्रश्न है, हाटकोटी निचार और सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है? तो हाटकोटी निचार और सराहन के बीच समानता है देवी की पूजा का स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसने ये आदेश दिया कि भगवान की मूर्ति के पास रखे 1 रुपये और तांबे के 2 सिक्कों को अलग कर हर वर्ष अयोध्या भेजा जाए? तो ये आदेश दिया था राजा जगत सिंह, कुल्लू के राजा थे ये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में किस धर्म के अनुयायियों का बाहुल्य है? तो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में जो है वज्जियान शाखा के अनुयायी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, रेणुका धाम इनमें से किससे संबंधित है? तो रेणुका धाम जो है वो परशुराम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, परशुराम। गुरु गोविंद सिंह इनमें से किस स्थान पर कभी नहीं गए? तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो धर्मशाला में कभी नहीं गए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर बौद्ध बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा को मानते हैं जो है, तो बौद्ध धर्म अधिकतर बौद्ध जो है वो बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा है, वज्रयान, वज्रयान भी कहा जाता है, तो इसे मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कितने शक्तिपीठ स्थित हैं? तो हिमाचल प्रदेश में कुल 4 शक्तिपीठ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये 4 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, जिले कुल्लू जिले का निर्मंड किससे संबद्ध है? तो कुल्लू जिले का निर्मंड जो है वो परशुराम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बुशहर रियासत की कुल देवी कौन है? तो बुशहर रियासत की कुल देवी है महिषासुरमर्दिनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जामलू देवता की पूजा कहाँ होती है? तो जामलू देवता की पूजा होती है मलाना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। लोक गाथा के अनुसार बाबा बालकनाथ ने किस स्त्री की गौएं चुराई थी? तो लोक गाथा के अनुसार बाबा बालकनाथ ने जो है वो रत्नी की गौएं चुराई थी, गौएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। किस पुराण के अनुसार बाणासुर को, जो ऊपरी शिमला के सराहन क्षेत्र का शासक था, को कृष्ण ने मारा था? तो देव पुराण के अनुसार जो है वो बाणासुर को कृष्ण ने मारा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को किस स्थान पर भगवान शिव की 81 फुट की प्रतिमा जो है वो स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के कोटला कलां में जो है वो शिव जी की 81 फुट की प्रतिमा विराजमान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, तांबे, तांबे या कांसे की ये मूर्ति है। अगला प्रश्न है, महान धर्मगुरु पद्म संभव ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो महान धर्मगुरु पद्म संभव ने जो है वो ईसा पश्चात 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। रिनचोन सोंगपो कौन थे? तो रिनचोन सोंगपो जो है, पीछे भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, तो ये एक तिब्बती विद्वान थे जिन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए भारत, जिन्हें जो है वो बौद्ध धर्म के से संबंधित अध्ययन के लिए भारत भेजा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और इन्होंने 17 वर्ष जो है वो लाहौल स्पीति और किन्नौर में बिताए थे। अगला प्रश्न है, रेणुका रिश्ते में जमदग्नि ऋषि की क्या लगती थी? तो रेणुका जो है वो जमदग्नि ऋषि की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऋषि हिमाचल प्रदेश से संबद्ध नहीं रहा है? तो वाल्मीकि ऋषि जो है वो उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश की धार्मिक मान्यताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।